सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा ही एक टूर वेबसाइट क्रिएट करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक टूर वेबसाइट को क्रिएट करके उससे अर्निंग कर सकते हो। बट पहले मैं आपको इस टूल का यूज बता देता हूं कि इस टूल का यूज क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद आपने इस टूल को क्रिएट कैसे करना है और कैसे आप इससे अर्निंग करेंगे मैं आपको फुल गाइड करूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके कि इस टूल को आप क्रिएट कैसे करेंगे और कैसे आप इससे अर्निंग करेंगे। सो गाइज, ये एक वीडियो डाउनलोडर टूल है। इस टूल के थ्रू आप YouTube की वीडियो और YouTube के अलावा Facebook, Instagram, Twitter, ये जितने भी साइट्स हैं, इन सभी साइट्स की वीडियोस आप इस टूल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर टूल है और टूल के साथ साथ इसमें ब्लॉग का भी ऑप्शन है। यानी कि जैसे आप ब्लॉगर के ब्लॉग में और वर्डप्रेस के वेबसाइट्स में आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, वैसे ही आप इस टूल में भी आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको टूल से अर्निंग होगी, टूर को लोग यूज करेंगे तो उससे आपको अर्निंग होगी, और सेकंड आपको जो आप आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे उससे आपका बेनिफिट होगा, उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी और आपका ये जो टूल है ये गूगल में रैंक भी करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आजकल के डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है, आपको इस तरह का टूल क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस, ये जो टूल है इसमें ब्लॉग का ऑप्शन है तो आप इसमें आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, यहां पर मैं क्लिक करता हूं ब्लॉग के ऑप्शन पर, ठीक है, ये ब्लॉग का बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपका अलग सा एक ब्लॉग ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर इसमें एड्स भी लगाए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया कि ये एक टूल है, इसमें ब्लॉग का भी ऑप्शन है, बाकी इसमें क्या क्या ऑप्शन है ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको इस तरह के इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं इसमें ये ब्लॉग का ऑप्शन है, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर भी ये एड शो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव एड है, आपका यूजर जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और नीचे आपकी आर्टिकल्स यहाँ पे शो होंगे। ये एग्जांपल आर्टिकल्स है, इसमें मैंने कंप्लीट एडिटिंग नहीं की, बस इतना इसमें मैंने एडिटिंग की है ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसमें आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे तो इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से आपका ये टूल रैंक करेगा गूगल में, और आपको जो इससे अर्निंग होने वाली है वो आप सोच भी नहीं सकते। अब चलिए यहाँ पर मैं होम पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊँगा, इसकी कस्टमाइजेशन आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, भाई आपको भागना नहीं है वीडियो छोड़कर, ठीक है। अब यहां पर जो मेरा मेन फोकस है वो है YouTube वीडियो डाउनलोडर, लेकिन ये ऑल इन वन है तो भाई लोग अगर इस पे आ जाते हैं YouTube की वीडियो डाउनलोड करने के लिए तो वो अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसको Facebook, Instagram, ये बहुत सारे इसमें ये सपोर्टेड रिसोर्सेज है तो वो इसको देख सकेंगे और इसको भी वो यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टूल दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल है। जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब में इस साइट को जैसे ही मैंने क्रिएट किया, इसको तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया मैंने अपने कम्युनिटी टैब में इसको शेयर किया था कि आप लोग इसको चेक करें कि ये कैसा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है हमें भी बनाना सिखाइए, हम भी बनाना चाहते हैं। 2-3 लोगों ने ये कहा कि भाई कंपटीशन बहुत हाई है और इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें ब्लॉग का ऑप्शन है, बेनिफिट आपको है, और इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे पॉपुलर साइट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक साइट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, डेली बेसिस पर मैं इसको यूज़ करता ही हूँ, ठीक है, डेली मैं 2-3 वीडियो इसे डाउनलोड करता ही हूँ, ठीक है। तो ये एक साइट है yt1s.com, बहुत सारे पॉपुलर साइट्स हैं बट इनमें से एक ये भी है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं आपको ये दिखा दूं तो भाई आप ये इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल एक सिंपल लाइट और रिस्पॉन्सिव स्क्रिप्ट है, ठीक है, टूल है, और इसमें ब्लॉग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें ब्लॉग का ऑप्शन नहीं है, ओनली ये टूल है। अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो भाई ये जो टूल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी और क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, इसमें इस स्क्रिप्ट से इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस है, इसमें ब्लॉग का भी ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस है इसके बनिस्बत, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस टूल का आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखा दूँ कि इनके पास ट्रैफिक कितना है, तो यहाँ पर भाई आपके सामने है इस मंथ की जो इनकी मंथली विजिट्स हैं वो है 82 मिलियन इनके पास ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक है, यानी कि 82 मिलियन आप कह सकते हैं कि इनके पास 80 मिलियन ट्रैफिक है मंथली। अगर हम एक साल में अगर आप ये आर्टिकल ये टूल क्रिएट कर लेते हो, ये टूल वेबसाइट आप क्रिएट कर लेते हो और एक साल में आप इस 80 मिलियन ट्रैफिक से
ओनली 10,000 ट्रैफिक अपने इस टूल पर लाते हो इन ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है, ब्लॉग्स के जो आर्टिकल्स है उसके थ्रू, क्योंकि वो रैंक हो गए तो उसी के थ्रू आपकी ट्रैफिक आएगी। तो अगर आप 10,000 ट्रैफिक अपने इस डाउनलोडर टूल पर लाते हो तो भाई वो 10,000 जो विजिटर हैं वो दोबारा इस साइट पर नहीं आएंगे, वो दोबारा आपके साइट पर आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न है क्यों वो हमारी साइट पर दोबारा आएंगे। तो देखो भाई, आप इस yt1s.com को ये वीडियो देखने के बाद खुद चेक करो, इससे खुद वीडियो डाउनलोड करो। इसकी स्पीड जो है वो इससे फास्ट है। जो YouTube से वीडियो पेच होती है, लोड होती है, उसकी उसमें जो है इसकी स्पीड हाई है, इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आपके साइट पर आएंगे, आपके टूल पर आएंगे। क्यों आपके टूल पर आएंगे, रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉप एड लगाए हैं, और मेन रीज़न यह है कि इन्होंने अडल्ट एड्स लगाए हैं। टोटली आपको अडल्ट एड्स यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर आप इस पर विजिट करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो टोटली आपको यहाँ पे अडल्ट एड्स शो होते हैं। तो अडल्ट एड्स से यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ यूज़र को नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है और वो इसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जो आपका टूल होगा, जो आपका टूल वेबसाइट होगा, इसमें आप बैनर एड्स लगाएंगे, कोई भी पब एड नहीं होगा, कोई भी अडल्ट एड्स नहीं होगा, तो भाई डेफिनेटली जो यूज़र है वो आपकी ही टूल पर आएगा। तो भाई ये मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दे दिया कि टूल वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है, आपकी ही टूल पर अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी टूल पर अगर 10,000 विजिटर आते हैं तो वो 10,000 विजिटर आपकी ही साइट को, आपकी ही टूल को यूज़ करेगा। क्योंकि आप अगर पप ऐप यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है, अगर आप पप ऐप यूज़ करेंगे तो फिर हो सकते हैं कि थोड़े से यूज़र जो है वो आपकी साइट से रिमूव हो जाए, क्योंकि पप ऐप से यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है, आपको खुद भी पता होगा। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप क्रिएट कैसे करेंगे। इसमें फ्यूचर्स तो बहुत सारे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट टू में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे आप क्रिएट करेंगे। यहां पर जो आप देख पा रहे हो ये सारे आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आप यहां पर अपना एक फिक लगाएंगे, अपना यहां पर डिटेल्स देंगे, अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। और नीचे आप यहां पर अबाउट अस हो गया, ठीक है, आपका कॉपीराइट है, यहाँ पर ये फीचर्स है, और सपोर्ट के अंदर ट्रेंडिंग, ये सारे आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि इनको मैंने यहाँ पर अभी कोई भी टारगेट लिंक नहीं दिया है ताकि ये लोग इसको ओपन कर सके। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये ब्लॉगर्स के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ब्लॉगर पे होस्ट कर दूंगा तो ये ब्लॉगर के लिए नहीं है। इसके लिए आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब होस्टिंग का नेम आपने सुनकर भागना नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा इतनी महंगी होस्टिंग आपको नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी होस्टिंग आपको चाहिए, मैंने कौन सा होस्टिंग यूज़ की है, और अगर आप अभी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो भाई आप सीख लो कि कैसे इसको क्रिएट करेंगे। आप किसी और टाइम जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, देखिए अगर आप इंडिया से हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो ओनली 100 से लेकर 200 रुपीज़ आएगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी इस टूल पर। और ये सिर्फ टूल नहीं है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें ब्लॉग का ऑप्शन है, आप इसमें आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई इसके लिए जो मैंने यहाँ पर होस्टिंग यूज़ की है वो है इंटर सर्वर का होस्टिंग, जो कि एकदम बेस्ट है। और इसमें अभी एक यहाँ पर इनका एक पैकेज चल रहा है, आपको $1 में 3 मंथ के लिए होस्टिंग मिलेगी, ठीक है, 3 मंथ के लिए होस्टिंग आपको ओनली $1 में मिलेगी। $1 में आप एंटर सर्वर से ये होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे तो आपको $1 में 3 मंथ के लिए ये होस्टिंग प्लान मिल जाएगा, और जब ये 3 मंथ हो जाएंगे तो उसके बाद आप $5 इनको पे करेंगे एवरी मंथ। तो अगर आप ये करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप एंटर सर्वर से नहीं करना चाहते तो आप इंडिया में कोई और एक बेस्ट होस्टिंग देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ है जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाती हैं, और इस तरह से पाकिस्तान में भी है, बट पाकिस्तानियों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ओनली एंटर सर्वर को यूज़ करें, क्योंकि जिस दिन मैंने एंटर सर्वर से ये होस्टिंग प्लान परचेज़ की थी $1 में, उसी दिन मैंने यहाँ पर नेम चिप से भी ये होस्टिंग परचेज की थी $22 प्लस में, ठीक है। तो $22 में मैंने नेम चिप से 1 ईयर के लिए ये होस्टिंग प्लान परचेज किया था, और एंटर सर्वर से मैंने 3 मंथ के लिए $1 में किया था। अब आप यकीन करें कि गाइज जो नीम चिप का होस्टिंग है वो बिल्कुल बकवास है। मैंने नीम चिप के सर्वर पर इस होस्टिंग को, इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया तो वीडियो जो यूट्यूब से लोड होती है, जो पेज होती है, वो होस्टिंग जो नीम चिप का होस्टिंग है, इसमें ये 30 से 35 सेकंड का टाइम ले रहा था।
तो वही 30 से 35 सेकंड में एक वीडियो डाउनलोड होती है। कौन बेवकूफ आपके टूल पर फिर आएगा और कौन बेवकूफ आपके टूल को यूज़ करेगा, क्योंकि वो 35 सेकंड का टाइम ले रहा था। और जब मैंने इंटर सर्वर के होस्टिंग पर इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया, जैसे कि अगर आप इसको अभी विजिट करेंगे, अभी इसको आप एक्सेस करेंगे, तो ये नेम इंटर सर्वर की होस्टिंग पर है। तो होस्टिंग जो नेम सर्वर की होस्टिंग है, इसमें ये ओनली 8 से 10 सेकंड में आपकी वीडियो लोड होती है। YouTube से, Instagram से या जितने भी साइट से जो आप यूज़ कर रहे हो, उसी से वीडियो 10 से 8 सेकंड्स में लोड होती है। तो जो इंटर सर्वर की होस्टिंग है वो बेस्ट है, आपने इंटर सर्वर की ही होस्टिंग परचेज करनी है। और एक और बात आपको बता दूं, आपको इसके साथ एक डोमेन भी फ्री मिलेगा, तो आप एक डोमेन भी अपना एक प्यारा सा डोमेन आप ले सकते हैं, वरना आप GoDaddy से परचेस करते हैं कर सकते हैं भाई, बहुत ही चीप प्राइस में आपको जो आपकी डोमेन है वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप होस्टिंग परचेस कर रहे हैं तो आप होस्टिंग के साथ ही डोमेन परचेस कर लें, आपको प्रीमियम मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको जैसे आप होस्टिंग की प्लान जैसे ही आपकी एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आप पे करेंगे, वैसे ही आप डोमेन पर भी पे करेंगे। तो भाई जैसे कि वीडियो के लास्ट में मैं इसका बताऊंगा अभी आपको, ये जो ytvideodownloader.site डोमेन है, ये मैंने GoDaddy से परचेज की है और इसका मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ, यानी कि आप में से ही किसी एक को ये डोमेन मिलेगा। तो इसको आपने कैसे विन करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इस डोमेन को विन करेंगे, कि आपको क्या करना होगा। अगर आप में से कोई एक इस डोमेन को विन करता है तो मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा, बिल्कुल ही परफेक्ट डोमेन है। जो मेरा अपना डोमेन है वो है ytvideodownloader.pro और जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो है ytdownloader.site। तो बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, जस्ट इसमें साइट है और ये जो मेरा वाला है ये प्रो है। तो भाई अगर आप ये विन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं कि इसको आपने, अगर आप एक डोमेन, एक होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेते हो तो इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो भाई ये जो स्क्रिप्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट की प्राइस है $69, ठीक है, $69 इसकी फाइनल प्राइस है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्रीमियम भी मिल जाएगा, कुछ साइट से आपको $5 में, किसी से आपको $10 में। लेकिन आपने प्रीमियम इसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इंस्टॉल नहीं हो पाते। अगर ये स्क्रिप्ट मुझे मिल चुके हैं तो भाई किसी न किसी तरह ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको डोमेन का भी बता दूंगा और इस स्क्रिप्ट को आपने कहाँ से डाउनलोड करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इस वाले को मैंने यहाँ पे इंटर सर्वर के पर इंस्टॉल करा है, लेकिन आप किसी भी इस होस्टिंग पर इसको इंस्टॉल करेंगे, जो तरीका है, जो इसका वे है, वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ठीक है, दोनों तीनों का बिल्कुल सेम है। जिस भी होस्टिंग पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको नेमचिप की होस्टिंग पर इंस्टॉल करने वाला हूं। इंस्टॉल करने के लिए गाइस, जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हो तो आपके सामने आपको आपकी होस्टिंग मिल जाती है। आपने सिंपल cPanel पे आना है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप इंटर सर्वर से परचेज कर लेते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने अकाउंट को यहां पर सिंपल लॉगिन कर लेता हूं, और लॉगिन करने के बाद जब आप इंटर सर्वर से परचेज कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूं भाई, इस कैप्चे को फिल कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन भाई देखना तो आपको पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा हूं जानबूझकर, ठीक है। जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं उसी की वजह से ये वीडियो इतनी लंबी हो रही है। मैं इसको वेरीफाई करता हूं, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो आप जैसे ही आप इंटर सर्वर से कर लेंगे डोमेन बाय और होस्टिंग, ठीक है, आप यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आपको पेपाल का भी ऑप्शन मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का, ठीक है। तो जब आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि आपने एक होस्टिंग यहाँ पे बाय की है और डोमेन मैंने यहाँ से नहीं की, तो इसलिए मुझे जीरो डोमेन दिखा रहा है। आपने सिंपल आपने इस वेब होस्टिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इसका स्टार्टिंग में नेम रखा था ytvideodownloader.site, क्योंकि ये डोमेन GoDaddy में था, तो आप GoDaddy से इसमें आप कनेक्ट भी कर सकते हैं डोमेन, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह से आप भी करेंगे, और सिंपल यहाँ पर आपको लॉग इन टू डायरेक्ट डोमेन, यानी कि डायरेक्ट एडमिन, यानी कि cPanel में आपको आ जाना है। सभी लोगों को ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये हर एक होस्टिंग में सेम होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही डायरेक्ट एडमिन यानी कि cPanel में जब आप आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आपको नेमचिप में भी कुछ इस तरह से cPanel दिखेगा। ये मेरा cPanel है, ठीक है, और इंटर सर्वर में आपका cPanel इस तरह से दिखता है, ठीक है। नीचे आपका यहाँ पर ये फाइल मैनेजर होता है, और यहाँ पर हमें दो काम यहाँ पे करने, एक हमें यहाँ पर माई, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें ढूंढना होगा गाइस कहाँ पे गया, ठीक है, माई SQL, ये देखिए माई SQL मैनेजमेंट, और एक हमने माई फाइल मैनेजर, ये दो काम हमें करने हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, हमने इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ नेमचिप के होस्टिंग पर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो काम आपको करना है वो आपने MySQL डेटाबेस को फाइंड आउट करना है अपने सी पैनल में। तो मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अब यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ दो काम हमें करना है, एक हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और जो सेकेंड काम हमें करना है वो हमें स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लिया 23, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें डिफरेंट दे देना होगा। मैंने वहाँ पर 260 दिया था, मैं यहाँ पर 260 दे देता हूँ। उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देना है, ठीक है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बात आप याद रख ले, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर नीचे भी मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो डेटाबेस वो क्रिएट हो चुका है। आपने फिर से होम पेज पे आ जाना है और दोबारा आपने MySQL डेटाबेस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी और भी एडिटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और फिर से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैं करता हूँ आ जाता हूँ, ठीक है, MySQL मैनेजमेंट पर। तो मेरे पास दो डेटाबेस है, ठीक है, जो मेरे पास ओल्ड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, परमानेंटली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद मैं गो बैक आ जाता हूँ। और अब हमें यहाँ पे एक और काम करना होगा, जब आपका डेटाबेस और यूज़र क्रिएट हो जाए तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन देगा, ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो आपने सिंपल ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एरर आ सकते हैं। आपने अगर आप एंटर सर्वर का होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ये ऐड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट नेम चिप का जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें आपको ये करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो मैंने अपना जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, 360, और ये है हमारा डेटाबेस। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये है हमारा यहाँ पर यूज़र, ठीक है, ये देखिए ये यूज़र है, ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस नेम है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको सिंपल जो है फाइल मैनेजर को फाइंड आउट करना है। ये है हमारा फाइल मैनेजर, आपको सिंपल फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डोमेन होगा, ठीक है, आपने उस डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंटर सर्वर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर आपको एक डोमेन का फोल्डर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह का एक डोमेन का फोल्डर दिखेगा। उस डोमेन के फोल्डर को जब आप ओपन कर लेंगे तो आपका जो भी डोमेन होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इस डोमेन को यूज़ करने वाला हूँ, आपको मैं डोमेन शो नहीं करूँगा। तो ये जो डोमेन है बिल्कुल ये यहाँ पर देखें, दिस डायरेक्टरी इज़ एम्प्टी, तो ये यहाँ पे एम्प्टी है और मैं इस डोमेन को आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा कि ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो डोमेन है यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा, ये देखिए इंडेक्स ऑफ दिखा रहा है। तो ये जो डोमेन है यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर कर लेते हैं भाई अपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल। तो स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए भाई हम सिंपल यहाँ पर ये नीमचिप के सर्वर और इंटर सर्वर दोनों पर सेम है, हमने सिंपल अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक कर देने के बाद हमें फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपल हम फाइल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो भी फाइल मैंने आपको जो भी आपको मैंने स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रखा होगा वो स्क्रिप्ट आपके पास होगा, तो वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगा, एक स्क्रिप्ट होगा, एक जिप फाइल होगा, वो जिप फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा और भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। तो गाइस जो भी आप होस्टिंग परचेज कर रहे हो आपने देखना है कि उसमें SSL सर्टिफिकेट है फ्री है कि नहीं। अगर आप इंटर सर्वर से परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको इंटर सर्वर से जो SSL सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा। अगर आप वहाँ से डोमेन परचेज कर रहे हो तो भी ऑटोमेटिकली आपका SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप GoDaddy से आपके पास है और आप कनेक्ट कर रहे हो तो भी आपको ईजीली ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे इंटर सर्वर की होस्टिंग सर्वर्स के साथ अपने डोमेन को, तो ऑटोमेटिकली आपका जो होस्ट SSL है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी डोमेन पर।
अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही मेरी बात पर, तो भाई जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर इस डोमेन को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो इसका मैं SSL जो है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने इस डोमेन को यहाँ पे हाइड कर रखा है, तो इसका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, यानी कि SSL ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल है। अब वीडियो भाई थोड़ी सी ही रह गई है, हमें जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, जैसे कि मैं आपको फिर से भी यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमने यहाँ पे माई डेटाबेस क्रिएट किया है, माई SQL डेटाबेस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए भाई ये हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डेटाबेस नेम है, ठीक है, नवीद, सॉरी ये नहीं है, ये है नवीद 360, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मेरे पास दो है, तो मैं जो नवीद यहाँ पे ऑलरेडी है इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट किया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर लोगों को हो जाते हैं और वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारी स्क्रिप्ट है वो वहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, मैं आपको फिर से भी ये क्रिएट करना सिखा देता हूँ, क्योंकि भाई इसी में सभी को प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको मैं फिर से भी आपको ये जितने भी हैं यहाँ पर मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर सभी को डिलीट करता हूँ ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और मुझे भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी डेटाबेस या यूज़र यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये देखिए कोई भी डेटाबेस या यूज़र नहीं है, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं मिस्टर नवीद, ठीक है, और सिंपल मिस्टर नवीद देंगे और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो डेटाबेस है वो ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट करना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र को भी मैं मिस्टर नवीद दे देता हूँ, मिस्टर नवीद शाह दे देता हूँ, ये हमारा यूज़र होगा। और हम यहाँ पर एक पासवर्ड भी दे देते हैं, सिंपल पासवर्ड, ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड भी दे देता हूँ भाई, ये पासवर्ड हो गया, और क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देते हैं। तो भाई इंटर सर्वर पर अगर आप कर रहे हो तो सिंपल आप ऐसे ही करेंगे, और अगर आप नेम चिप या किसी और पर कर रहे हो तो आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे देख देना है, अगर आपको ऐड यूजर डेटाबेस का दिख रहा है तो आपने सिंपल इस पे ऐड पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बस यहाँ पर ये ऐड हो गया है, आपको और कुछ भी नहीं करना, मेक चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये देखिए चेंजेस हो चुके हैं, और फिर आपको गो बैक आना है, बस आपका डेटाबेस और यूजर नेम क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट है वो अभी इंस्टॉल हो रही है, अभी इंस्टॉल नहीं हुई, और जो हमारी वीडियो है वो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही अगर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई वेट करते हैं, सिंपल है, ठीक है। अगर आप इंटर सर्वर पर कर रहे हो तो भाई इंटर सर्वर में पैसे आपको ऊपर नहीं दिखा सकता, इंटर सर्वर के फाइल मैनेजर में जब आप आएंगे तो आपको डोमेन का एक बटन, डोमेन का एक फोल्डर दिखेगा, उस पे जब आप क्लिक करेंगे जो आप, तो आपका जो भी डोमेन होगा अगर आपने गोडैडी से या फिर इंटर सर्वर से ही परचेज की है तो वो डोमेन आपको दिख जाएगा, उसी डोमेन पर आपको क्लिक कर देना है और उसी डोमेन की पब्लिक HTML फाइल में आपको ये स्क्रिप्ट जो है अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर ये हमारा अपलोड हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो हमारा स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। ओके गाइस, तो स्क्रिप्ट सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये zip फाइल में है, तो सबसे पहले हमने इस zip को अनजिप करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और ये अब यहाँ पर इसके अंदर एक और फोल्डर है, तो वो फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक zip फोल्डर आएगा, ठीक है, सॉरी एक फोल्डर आएगा, ये देखें, ठीक है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे zip है, सिंपल हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फोल्डर था वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल डिलीट कर देते हैं, और इसको मैं ट्रैश से भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कन्फर्म करने के बाद ये डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर हमारे डोमेन का जो फोल्डर है, उस डोमेन के फोल्डर में जो पब्लिक HTML फाइल है उसके अंदर ये एक फोल्डर हमारे पास आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर कुछ और भी न्यू फोल्डर्स है, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ डबल टैप करके, तो ये देखिए ओपन हो गया है। अब ये जो इसके अंदर फोल्डर्स है, ये फोल्डर्स हमें वहाँ पे लेके जाने हैं, ठीक है, यानी कि बैक लेके जाना है। तो उसके लिए हम इसको पब्लिक HTML यानी उसी डोमेन की फाइल में इसको सेंड कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स थे वो हमने यहाँ पर मूव कर दी हैं, ठीक है। तो अब ये जो फोल्डर है ये किसी काम का नहीं है, इसको हम सिंपल यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी मैं ट्रैश से डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट आ चुकी है, ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर टूल की स्क्रिप्ट जो है वो हमने अपने डोमेन के पब्लिक HTML फाइल के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है।
अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपने आपको लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप क्या है, अब आपको अपने ब्राउजर में आना है और जो आपका डोमेन है वो डोमेन नेम आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप डोमेन नेम को सर्च कर लेंगे और इंटर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलर मोड में चला जाएगा। ये जो स्क्रिप्ट है ये इंस्टॉलर मोड में ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वेलकम आ गया, ठीक है। अगर आपका ये ओपन नहीं होता तो आपने सिंपल क्या कर देना है, जो डोमेन आप सर्च बॉक्स में दे रहे हो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आपको डोमेन देना है ytvideodownloader.pro/install, आप स्लैश इंस्टॉल लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपका डोमेन वैसे ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए वेलकम आ गया, अब आपको सिंपल लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे आगे कुछ यहाँ पर डिटेल्स होंगे, उसको आपने इग्नोर कर लेना है और आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे तो अब यहाँ पर आपको मेन काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको परचेज कोड दे देना है। तो व्हाट इज माई परचेज कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज कोड क्या है, ठीक है। परचेज कोड ये है, जब आप इस स्क्रिप्ट को परचेज करेंगे तो आपको वो लोग एक परचेज कोड देंगे, ठीक है। तो वो जो परचेज कोड है वो मेरे पास है और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर ये नहीं कहना कि भाई मैं कहाँ से लूँगा कोड, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ब्लर करूँगा क्योंकि भाई इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस वीडियो पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको ये जो दो है लोकल होस्ट और ये डेटाबेस पोर्ट, इसको आपने कोई भी इसमें आपने एडिटिंग नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस नेम है और यूजर नेम, ठीक है। तो जो डेटाबेस नेम है आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की, तो हर एक होस्टिंग का जो होस्टिंग होता है चाहे किसी भी वेबसाइट से हो, उसके सी पैनल में जाके आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस मिलता है। तो किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो हमने अभी एक डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है, वो डेटाबेस ये है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया था, तो ये डेटाबेस नेम है, मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो डेटाबेस नेम लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये यूज़र का भी कह रहे हैं कि यूज़र भी यूज़र नेम दे दे, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम भी दे देते हैं, ये हमने क्रिएट किया था, ठीक है। ये हर एक होस्टिंग में होता है, तो यहाँ पर सिंपल ये मैंने यूज़र नेम और डेटाबेस नेम दे दिया। उसके बाद हमने एक पासवर्ड रखा था, तो वो पासवर्ड भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, आई थिंक मैंने पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, तो अगर ये यहाँ पे एरर मिला, देखें एरर मिल गया, ठीक है। तो इस पासवर्ड को ये मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ भाई, ठीक है, ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, तो भाई जैसे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे फिर से एरर आ गया, ठीक है, डेटाबेस में एरर आ गया। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम दोबारा सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, तो आई थिंक फिर से एरर आ गया। तो चले इसको मैं इसका पासवर्ड रिसेट कर देता हूँ और फिर से मैं इस ऑप्शन पे आकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये सक्सेसफुली हो गया है। जो प्रॉब्लम था वो मेरे पासवर्ड में नहीं था, यहाँ पर एक स्पेस था, तो उस स्पेस को जैसे मैंने रिमूव किया, ये आपको भी ध्यान रखना है अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर एक स्पेस भी आ जाता है, तो वो स्पेस आपको रिमूव कर देने। उसके बाद जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेप करना है। आप लोग कह रहे होंगे कि बार बार लास्ट स्टेप आप कह रहे हो, तो अब यहाँ पर हमें अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एडमिन है तो हमें यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईमेल देना है, तो भाई मैं यहाँ से एक ईमेल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और एक स्ट्रांग पासवर्ड आपको रखना है भाई, स्ट्रांग का मतलब स्ट्रांग, इससे पहले जो मैं स्ट्रांग कह रहा था वो आप साइड पे रखें, लेकिन अब आपको स्ट्रांग पासवर्ड देना है, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। इसी से हम अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे अपने टूल वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए। अब ये देखिए भाई, हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका जो टूल वेबसाइट है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। सिंपल आप व्यू योर न्यू वेबसाइट पर आप क्लिक करो और बूम गाइस, आपका जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब गाइस, बहुत सारे प्रीमियम आपको होस्टिंग मिल जाती है, प्रीमियम वेबसाइट डोमेन मिल जाती है .xyz। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर उसको इंस्टॉल करूं और उस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक अच्छी सी फ्री होस्टिंग साइट ढूंढ करना आपको बता दूंगा कि इसी पर आपने इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। बल्कि मैं लाइव वीडियो में इंस्टॉल भी करके दिखा दूंगा आपको, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डोमेन और होस्टिंग आपको एक साल के लिए फ्री में या फिर 6 मंथ के लिए आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी कर दूंगा, बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती है, ठीक है।
तो अगर आप मेरा मानो तो आप एंटर सर्वर का ही होस्टिंग बाय कर लो। तो भाई ये है हमारी स्क्रिप्ट। अब आपने इसको कस्टमाइज कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन का भी बताना स्टार्ट कर दूँ तो भाई वीडियो एक घंटे से दो घंटे की हो जाएगी। अब हम सिंपल बात कर लेते हैं कि इस स्क्रिप्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है और डोमेन जो डोमेन नेम मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो डोमेन नेम अगर आप विन करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इस वीडियो पर कमेंट करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब इस टोल पर जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कस्टमाइजेशन का बताऊंगा तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में से मैं किसी एक यूजर को पिक करूंगा, जो भी आएगा उसी को मैं जो डोमेन नेम है वो ट्रांसफर करूंगा उसी की गोडैडी अकाउंट में, क्योंकि मेरे पास गोडैडी के अकाउंट में है जो कि मैंने 260 रुपीज में परचेस किया था। और आपको जो है ये प्रीमियम मिल जाएगा अगर आप इसको इस वीडियो पे कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अब लास्ट में बात करते हैं स्क्रिप्ट की कि स्क्रिप्ट आपको कैसे मिलेगा। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूं कि आप डाउनलोड कर दें, मेरा चैनल ही उड़ जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो इसलिए भाई कोई बात नहीं है, प्रोवाइड तो मैं आपको किसी ना किसी तरह से करूंगा। तो जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे कंप्लीट तो उसके बाद भाई आपको आना है, और जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो में आपने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम का लिंक, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है और इंस्टाग्राम में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करना है। तो भाई वीडियो यही तक थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने अपना पूरा कोशिश किया है और इस वीडियो पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्री होस्टिंग पर वीडियो लाओ जिसमें हम फ्री में इसको इंस्टॉल करें, इसको देखें, इसको यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं कि हमने इस तरह से एक टूल क्रिएट किया है, तो अगर आप चाहते हैं तो भाई बिल्कुल मैं वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और ये बात नहीं है कि प्री होस्टिंग में बाद में आप स्विच नहीं कर सकते। अगर प्री होस्टिंग में आपको इंस्टॉल करते हो इसको और आपका काम चल जाता है, कुछ यूज़र आ जाते हैं, तो बाद में आप स्विच भी कर सकते हैं पेड में, ठीक है। तो भाई वीडियो इतनी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।